चैप्टर नंबर 1.3 ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यह चैप्टर डॉक्टर प्रमोद पाटिल ने लिखा है। इसमें उन्होंने एक पक्षी की आत्मकथा को दर्शाया है। तो चलिए सुनते हैं उस पक्षी की आत्मकथा, उसकी ही ज़ुबानी। मतलब इसमें अभी जो भी बोला जाएगा आप ये समझिएगा यह उस बस्टर्ड की आवाज़ है, मतलब उस पक्षी की आवाज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच इज़ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया? वेल फ्रेंड्स, इट्स मी, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आई फील प्राउड टू बी नोन एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। इन मराठी आई एम नोन एज मालधोक और हुम। आई कैन वे अप टू 18 किलोज एंड कैन स्टैंड अप टू 4 feet इन हाइट, रीचिंग अप टू योर शोल्डर्स और इवन हायर। आई हैव गॉट ए लॉन्ग वाइट नेक, ब्राउन विंग्स, टॉल येलो लेग्स एंड ए ब्लैक कैप ऑन माई हेड। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, भारत में वजन में सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? खैर दोस्तों, यह मैं हूँ, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मुझे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रूप में जाना जाने पर गर्व महसूस होता है। मेरे पास विभिन्न भारतीय भाषाओं में 30 से अधिक विभिन्न नाम हैं। मराठी में मुझे मालधोक या हुम के नाम से जाना जाता है। मैं 18 किलो तक का वजन का हो सकता हूँ और 4 फीट तक की ऊँचाई तक खड़ा हो सकता हूँ, आपके कंधों तक या उससे भी अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकता हूं। मेरी एक लंबी सफ़ेद गर्दन है, भूरे पंख, लंबे पीले पैर और मेरे सिर पर एक काली टोपी है। आगे चलते हैं। माई वाइफ मिसेस बस्टर्ड इज स्मॉलर एंड स्लिमर देन आई एम एंड हर नेक इज़ नॉट वाइट, बट आई हैव हर्ड ह्यूमंस से दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव। मेरी पत्नी श्रीमती बस्टर्ड मुझसे छोटी और पतली हैं और उनकी गर्दन सफ़ेद नहीं है, लेकिन मैंने इंसानों को यह कहते सुना है कि हम दोनों प्रभावशाली दिखते हैं। आगे चलते हैं। आई लिव ऑन ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स अलॉन्ग विथ माई अदर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग चिंकारा, ब्लैक बक एंड लार्क्स। आई ईट एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्नैक्स, लिजार्ड्स, स्मॉल फ्रूट्स एंड बेरीज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। दैट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट, बट ग्रास होपर्स एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम्स। यहाँ पे क्या कह रहा है वो, मैं चिंकारा, ब्लैक बक और लार्क सहित अपने अन्य दोस्तों के साथ घास के मैदानों और रेगिस्तानों में रहता हूँ। मैं सांप, छिपकली, छोटे फल और जामुन और सभी प्रकार के कीड़ों सहित सब कुछ खाता हूँ। यह एक बहुत ही स्वस्थ आदत है, लेकिन टिड्डे और भृंग मेरे पसंदीदा खाद्य पदार्थ हैं। तो यह सब कौन बोल रहा है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चलिए आगे चलते हैं। वेन इट स्टार्ट्स रेनिंग वी ऑल गेदर एट आवर फेवरेट ग्रास लैंड्स वेयर देयर आर नो पीपल टू डिस्टर्ब अस। आई परफॉर्म अ वंडरफुल डांस बाय गल्पिंग एयर इन द स्पेशल फीदरी पाउच अटैच्ड बिलो माई नेक। दिस पाउच हेल्प्स मी टू प्रोड्यूस ए रेजोनेटिंग साउंड सिमिलर टू वन प्रोड्यूस्ड बाय द काव। I dance in joy with puffed out feathers and cocked up tails and dropped down wings. It helps me to impress my soulmate. यहाँ वह क्या बताता है, जब बारिश शुरू होती है तो हम सभी अपने पसंदीदा घास के मैदानों में इकट्ठा होते हैं, जहाँ हमें परेशान करने के लिए कोई लोग नहीं होते हैं। मैं अपनी गर्दन के नीचे लगे विशेष पंख वाले थैले में हवा निकलकर एक अद्भुत नृत्य करता हूँ। यह थैली मुझे गाय द्वारा उत्पादित ध्वनि के समान गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करने में मदद करती है। मैं फूले हुए पंखों के साथ खुशी से नाचता हूँ और पूंछ को ऊपर उठाता हूँ और पंखों को गिरा देता हूँ। यह मुझे मेरी हमसफर को प्रभावित करने में मदद करता है। तो यहाँ तक ये सब था, अब आगे चलते हैं। यू नो दैट वी बर्ड्स ले एग्स एंड आवर यंग वंस हैच आउट ऑफ एग्स। मदर जी आई बी मीन्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लेज जस्ट वन एग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट्स, बट वी हैव ए स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट आवर एग्स फ्रॉम प्रीडेटर्स। द एग लुक्स लाइक अ स्टोन। मोनिटर लिजार्ड्स, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नैक्स एंड ईगल्स आर इनेमीज ऑफ माई एग एंड चिक, बट माई वाइफ प्रोटेक्ट्स द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम। तो इस पैराग्राफ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या बता रहा है, वह बताता है कि आप जानते हैं कि हम पक्षी अंडे देते हैं,
और हमारे बच्चे अंडे से निकलते हैं। माँ जीआईबी सिर्फ एक अंडा सीधे ज़मीन पर देती है। जीआईबी मीन्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो सिर्फ एक अंडा सीधे ज़मीन पर देती है। हम घोंसलों के निर्माण में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास अपने अंडे को शिकारियों से बचाने के लिए एक विशेष युक्ति है। अंडा एक पत्थर जैसा दिखता है। मॉनिटर छिपकली, लोमड़ी, कुत्ते, सुअर, सांप और चील मेरे अंडे और चूजे के दुश्मन हैं, लेकिन मेरी पत्नी अंडे को उन सभी से बचा लेती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। बाय द टाइम आवर यंग वन हैचेज आउट ऑफ द एग, रेन्स अराइव, देयर्स प्लेंटी ऑफ ग्रास स्वार्मिंग विद इंसेक्ट्स, फ्रेश फूड फॉर माई फैमिली। यंग वंस ऑफ अदर बर्ड्स सून फ्लाई अवे फ्रॉम द नेस्ट, बट ए ग्रेट इंडियन बस्टर मदर एंड चिक स्टे टुगेदर फॉर अ नियरली वन ईयर। द चिक लर्न्स मैनी गुड हैबिट्स फ्रॉम द मदर। यहाँ वह क्या बताता है कि जब तक हमारा बच्चा अंडे से बाहर निकलता है, बारिश आ जाती है। कीड़ों से भरा हुआ बहुत सारा घास मेरे परिवार के लिए ताज़ा भोजन है। अन्य पक्षियों के बच्चे जल्दी ही घोंसले से दूर उड़ जाते हैं, लेकिन एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड माँ और चूज़ा लगभग एक साल तक एक साथ रहते हैं। चूज़ा माँ से कई अच्छी आदतें सीखता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। यू मे हैव हर्ड अबाउट ए ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड ऑफ आर्स, डॉक्टर सलीम अली। ही हैड इवन सजेस्टेड दैट वी शुड बी गिवेन द स्टेटस ऑफ द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, बट द ऑनर वेंट टू आवर ब्यूटिफुल रिलेटिव द पीकॉक। आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। वी हैव गॉट 10 सेंचुरीज फॉर आवर प्रोटेक्शन, बट सैडली आवर नंबर इज स्टिल गोइंग डाउन। वी यूज टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट स्लोइंग द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मैन पुश्ड अस अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ आवर होम रीजन्स। वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर्स दैट किल अस फॉर फन। वी ऑल्सो डाइड ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स दैट वी कांट सी वाइल फ्लाइंग। वी आर लॉसिंग आवर होम्स। यहाँ पर वह बस्टर क्या बताता है? आपने हमारे एक महान मानव मित्र डॉक्टर सलीम अली के बारे में सुना होगा। उन्होंने यहाँ तक सुझाव दिया था कि हमें अपने देश के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन सम्मान हमारे सुंदर रिश्तेदार मोर के पास गया। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं राजस्थान का राज्य पक्षी हूँ। हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पास 10 अभयारण्य हैं, लेकिन दुख की बात है कि हमारी संख्या अभी भी कम हो रही है। हम भारत के सभी हिस्सों में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या ने हमें हमारे 90% से भी अधिक गृह क्षेत्रों से दूर धकेल दिया। हम शिकारियों से डरते हैं जो हमें मनोरंजन के लिए मारते हैं। हम बिजली की लाइनों के कारण भी मर जाते हैं जो हम उड़ते समय नहीं देख सकते। हम अपने घरों को खो रहे हैं। तो यहाँ पर वह जीआईबी अपने बारे में ये सब बताता है। आगे चलते हैं। टुडे ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड। वी नीड योर सपोर्ट एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव। कैन यू हेल्प अस? यू कैन राइट लेटर्स टू योर लीडर्स एंड मेक एन अपील टू हेल्प अस। यू कैन मेक माई ड्राॅइंग एंड सबमिट इट टू योर टीचर। यू कैन डिस्कस दिस विद योर पेरेंट्स। कम टू सी अस एट ए सेंचुरी, बिकॉज नाउ यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेसेस। एंड हु नोज, इफ ह्यूमंस डोंट हेल्प अस, नन ऑफ अस विल लेफ्ट ऑन द अर्थ। यू विल ओनली सी अस इन पिक्चर्स। तो इस लास्ट पैराग्राफ में वह जीआईबी क्या बताता है कि आज दुनिया में हम में से आखिरी 200 ही बचे हैं। जीवित रहने के लिए हमें आपके समर्थन और प्यार की आवश्यकता है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? आप अपने नेताओं को पत्र लिख सकते हैं और हमारी मदद की अपील कर सकते हैं। आप मेरी ड्राइंग बनाकर अपने शिक्षक को जमा कर सकते हैं। आप इस बारे में अपने माता पिता से चर्चा कर सकते हैं। हमें किसी सेंचुरी में देखने आओ, क्योंकि अब हमें और स्थानों पर नहीं देखोगे। और कौन जाने, अगर इंसान हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम में से कोई भी धरती पर नहीं बचेगा। आप हमें केवल तस्वीरों में ही देख पाओगे। तो यह था द ग्रेट इंडियन बस्टर की आत्मकथा, उसका ऑटोबायोग्राफी। तो आप लोग इसे एक बार और ध्यान से सुनिए, ठीक है? इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हुए उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? धन्यवाद।